પાટકોકા ટાઈમ્સ કી વિશેષ પેશકશ આપણો ગામ આપણી ખબર વિડિયો ન્યૂઝ બુલેટિન મે સ્વાગત અભિનંદન આઈએ દેખતે હૈ આજ 16 મે 2020 કો હમારે ક્ષેત્ર કી ખાસ ખબર શુક્રવાર રાત્રિ કો અધિક શરાબ પીને સે ગામ લખાસર મે એક જને કી મોત હુઈ 62 પ્રવાસી મજદૂરો કો શ્રી ડુંગરગઢ પ્રશાસન ને ઉત્તર પ્રદેશ કે લિયે રવાના કિયા पशु कल्याण शुल्क का विरोध जारी किसान और व्यापारी हो रहे हैं परेशान मैया ने सरकार से समाधान करने की मांग की गोदारा ने पहुंचाई राशन किट और द्वारका देश पैदल यात्री संघ ने मास्क और सैनिटाइजर बांटे गरीब सेवा संस्थान ने पीबीएम अस्पताल में 11 यूनिट रक्तदान किया ये थे आज के मुख्य समाचार आइए चर्चा करते हैं विस्तार से गांव लखासर निवासी 62 वर्षीय तिलोकाराम पुत्र मूलाराम नायक की शराब के अधिक सेवन से शुक्रवार रात को मृत्यु हो गई हेड कांस्टेबल आवरदान ने बताया कि तिलोकाराम लखासर में शराब के नशे में शुक्रवार दिन भर नजर आया रात को उसने और शराब का सेवन किया जिससे प्रथम दृष्टया मृत्यु अधिक शराब से होना लग रहा है ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय लाया गया जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर मृतक के परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया मृतक के पुत्र भींजाराम ने इस संबंध में मर्ग दर्ज करवाई है श्री डूंगरगढ़ से प्रशासन ने पूर्व में पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश के मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। उसके बाद शुक्रवार देर रात उत्तर प्रदेश के 62 मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना किया गया उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये श्रमिक जयपुर पब्लिक स्कूल में तथा रेलवे स्टेशन के पास राहत केंद्रों में रखे गए थे न्योल ने इन सभी के स्वास्थ्य की जांच करवाकर रास्ते का भोजन आदि देकर विदा किया श्रमिकों ने प्रशासन सहित सामाजिक संस्थाओं का आभार प्रकट किया श्री डूंगरगढ़ कृषि मंडी में कृषक कल्याण शुल्क का पुरजोर विरोध व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है और किसान अपने गेहूं चने और सरसों की फसल बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं मंडी में हड़ताल से करोड़ों का नुकसान हो रहा है और लॉकडाउन में मंदी झेल रहे व्यापारी भी खासे परेशान हो रहे हैं विधायक गिरधारी लाल मैया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या का समाधान करने की मांग की है मैया ने कहा कि मंडियों में तुलवाई नहीं होने तथा किसानों के पास भंडारण व्यवस्था नहीं होने से कृषि जिन्सों की गुणवत्ता कम होने के साथ किसानों को खासा नुकसान हो रहा है मैया ने कहा कि मंडी बंद होने से बिजाई के लिए किसानों को बीज भी महंगे दामों पर मिल रहे हैं जिससे किसानों को आर्थिक संकट सामने खड़ा हो रहा है सरकार ये शुल्क लौटाकर व्यापारी व किसानों को राहत दे पूर्व विधायक व कांग्रेस प्रदेश महासचिव मंगलाराम गोदारा ने आज 43वें दिन भी जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री पहुंचाई गोदारा ने शनिवार को 119 घरों में राशन वितरण किया अब तक कुल 7716 घरों तक राशन पहुंचाया है पार्टी कार्यकर्ता राधेश्याम सारस्वत कन्यालाल सोमाणी सत्यनारायण बासनीवाल शिव प्रसाद नाई संजय कर्णानी रतनलाल दर्जी राजेश मंडा मनोज सुथार अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के द्वारकाधीश पैदल यात्री संघ ने मास्क वितरण अभियान में आज ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तेजा मंदिर ग्राम पंचायत देरासर ग्राम पंचायत सूरसर ग्राम पंचायत टेऊ उप स्वास्थ्य केंद्र टेऊ ग्राम पंचायत सावतसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुलजासर ग्राम पंचायत दुलजासर कित्तासर चेक पोस्ट ग्राम पंचायत कित्तासर बिदावतान कित्तासर भाटियान बिगाबास रामसरा बिग्गा और ग्राम पंचायत जैसलसर में मास्क बांटे इस दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने चेक पोस्ट पर सैनिटाइजर भी दिए इस अभियान में अभी तक संघ ने 10,000 मास्क बांट दिए हैं बीकानेर के पीबीएम चिकित्सालय में रक्त की आई कमी को देखते हुए गरीब सेवा संस्थान के युवाओं ने 11 यूनिट रक्तदान किया संस्थान अध्यक्ष रामकिशन साहू ने बताया कि संस्थान के कार्यकर्ता महेंद्र जाखड़ विनोद शर्मा रामकिशन साहू मदन सिद्ध रामेश्वर सिहाग राघव बिश्नोई निखिल पारिक विक्रम सिंह विकास मूलचंद मेघवाल लेखराम जाखड़ ने पीबीएम पहुंचकर रक्तदान किया है श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक आपराधिक सांस्कृतिक सामाजिक और धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से सादर धन्यवाद शुभ रात्रि।